आप एक डिग्निफाइड पर्सन, हिज नेम इज पारस सुराना। याद है कल हम तुम लोग को, कल ही हम तुम लोग को बोला था, याद है? आओ ऊपर आ जा, तेरा 95.3% आया था, याद है? तो एरुडेट सी है, याद है? कल हम बोले थे बगैर ट्यूशन वहां जॉब करते, है ना? वहां पे कैमरा के पीछे फिट करके आता था एरुडाइट में विदाउट एनी ट्यूशन फ्रॉम सेंट जेवियर्स क्लास 11 से साथ में, क्लास 11 से। वन ऑफ द कूलेस्ट कॉन्सेप्ट हम लोग के लाइफ में अगर बहुत हुआ है नौटंकी, गजब जिंदगी जी हम लोग एक दूसरे के साथ, और भी ग्रुप था। ही क्रैक्ड कैट विदाउट ट्यूशन वर्किंग देयर, रीडिंग द नोट्स, कभी कभी वीडियो देख के, उन लोगों को पता भी नहीं चलता था, ये सब कुछ कर करा के कैट दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में 99% आया था। एंड ही गॉट अ कॉल, हम लोग इतना ट्यूशन लेता है ना, एंड ही गॉट अ कॉल फ्रॉम IIM इंदौर था, क्या इंदौर था ना, लखनऊ, IIT गाजियाबाद, और एक और था जितना हमको याद आता है, फोर्थ क्या था रे, मणिपुर। चार जगह इसका कॉल आया था, और दैट टू विदाउट ट्यूशन एंड विदाउट पेइंग। इनफैक्ट एरुडाइट से पैसा लेके निकला था, 3,000 रुपया पर मंथ मिलता था ना तेरे को, तुमको याद है? पैसा लेके निकला था, और उसके बाद इंटरव्यूज दिया, उसके बाद ये ट्यूशन नहीं लिया हमको जितना याद आता है, नहीं ना? ऐसे ही तुम लोग जो GDPI का 50,000-40,000 अभी देते हो, जो भी देते हो, व्हाटएवर, इट इन टू, ये बंदा ऐसे ही। एट लास्ट हम लोग कैरम खेल रहे थे, टेंशन में था, याद है उस दिन? तभी हमको बोला आयुष के, हम लोग खेल रहे थे, तभी हमको बोला भाई अभी तक कॉल ही नहीं है, और हम उसको बोले तेरा कॉल आएगा, बोले थे ना ये चीज, एंड विद इन 10-15 मिनट्स ही घर से कॉल आया था सर कि लेटर आ गया, IIT गाजियाबाद से। ही वेंट देयर और उसके बाद द जर्नी स्टार्ट्स। हम लोग अभी बिछड़ना हुआ क्योंकि वो वहां चला गया, और बंदा एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम डाउन टू अर्थ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ बोलोगे तो बोलेगा, ये बोलता नहीं है, बोता है। फिर ये जो जवाब देगा वो तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं होगा, सेम फील्ड के ना हम लोग, ग्रुप तो एक ही रहा ना, जब हमको देखते हो तो समझ लो कैसा होगा मेरा दोस्त लोग भी। और हम लोग कैसे जेवियर्स पढ़े हैं 5 साल, कितना मस्ती किए हैं और क्या क्या नहीं किए, हर चीज। इकोनॉमिक्स का HOD पढ़ा था हम लोग क्लास 12 में, PP घोष, क्या रेस्पेक्ट करता था अपना। इनफैक्ट याद है क्रिकेट मैच हो रहा था, ये विकेट अब गिरेगा, याद है? हमने बीच में बैठा हुआ था, वापस आए बैठे हुए थे, क्रिकेट हो रहा था, बिना पैसे का सट्टा। ही वॉज देयर, हम बोल रहे थे अब विकेट होता था ना, हम लोग बहुत किए, बहुत मस्ती की, ये हमेशा हमारे हर क्राइम में, क्राइम तो हम लोग किए नहीं कुछ, मतलब मस्ती, कैरम चैंप थे हम लोग, TT कैरम सब कुछ। ये नहीं है कि हम लोग का लाइफ इसलिए बना है कि हम लोग पढ़े, हम लोग का कॉलेज 9 से 5 होता था ना, 11-12 9 to 5 क्लासेस, तो हम लोग का 3 घंटा भी होता था, 3-4 क्लास बस, और बाकी पूरा टाइम हम लोग कहाँ रहते थे, गेम्स कॉमन। शुरुआत का 6 महीना सिर्फ हम रीडिंग रूम रहा है, उसके बाद तो हम रीडिंग रूम का मुंह कब देखा हमको भी नहीं पता, सिर्फ गेम्स, 3 बार कैरम टीटी लास्ट में हम लोग को निकाला जाता था धक्का। ही क्लियर्ड IIT, देन ही गॉट अ जॉब इन चंडीगढ़, वही मिला ना, लुधियाना में, हाँ सॉरी लुधियाना, वहां पे जॉब, देन ही क्लियर्ड इज 6 Sigma कोर्स कंपनी के थ्रू ही, कोई भी चीज में पैसा नहीं दिया, सामने वाला देता था, सामने वाला उसको पैसा देता था, एक कोर्स कर लेता था, क्लियर। उसके बाद ये चंडीगढ़ गया ना, तो उसके बाद लुधियाना से वो उसी में इधर उधर रहा ना, हाँ फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका,
नेक्स्ट तो साउथ अफ्रीका ही था ना, वेस्ट अफ्रीका, वहां पे आज के दिन पैकेज क्या बोलेंगे हम तुमको, साल का 40 लाख रुपया बचाता है करीब करीब। ऐसे मत देखो, शादी हो गई है। लेकिन मत सोचो ऐसे, हम जानते हैं गे भी अलाउड हो गए। कैसे हाँ सर, हम लोग स्ट्रेट है तो बहुत पैसा कम है, इसके लिए हम लोग है बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज। और तुमरा हम कल ही ये लोग को सेम चीज बोले, बोले ना कल क्लास में, बोला भी हमारा एक बंदा पारस, और कल तेरा रात को जब मैसेज आया ना तो हमको बहुत खुशी हुआ, इसीलिए हम तेरे को आज इस समय बुलाया कि हम इन लोग को बताएं कि एक्चुअल फैक्ट, ये आदमी यहाँ खड़ा होकर तुम लोग को जितना स्टोरी बताया ना आज तक, कभी झूठ नहीं बोला, कभी 1% कोई भी बात झूठ नहीं है। हर एक बंदा जिससे रिलेटेड बोला गया, जब आएगा तब तुम लोग को जरूर बताएंगे कि वो बंदा कौन है और कैसे आगे बढ़ा। सिर्फ ट्यूशन लेने से और जाने से कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा मेहनत है, तुम्हारा डेडिकेशन है जो तुमको आगे लेके जाए, और कुछ नहीं है। हम लोग तो पैसा कमाते हैं और कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत तुमको कॉन्सेप्ट दे देते हैं तुम उसी में हीरो बन जाते हो। स्टार्ट तो जर्नी तभी होता है ना जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है और तुम उसके ऊपर क्या बिल्डअप करते हो। एक फॉर्मूला सीख जाने के बाद उसका 10 सम करना तुमको ही पड़ेगा, और वो 10 सम सीख करके ही तुम बहुत कुछ सीखो। डेट इज एंड इज माई बेस्ट, एक कभी भी आता तो हम इससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। ये बात बहुत हम लोग का तरीके का होता है, वेरी नाइस पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ। सोच के देख लो, 40 लाख रुपया बचाता है हर साल, पिछला 5 साल से बचा रहा है, जोड़ना मत क्योंकि तुम लोग का मैथ ऐसे ही नहीं कर, वो भी हमी को सिखाना पड़ेगा। और डेरिवेशन करने गया तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है, वो भी दिमाग मत लगाना, इतना तो बचा लिया, उसका ब्याज भी मत जोड़ना, उसका इन्वेस्टमेंट भी मत जोड़ना, बाकी जो किया वो मत जोड़ना प्लीज, इट्स ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ये है ये बंदा, ही इज पारस सुराना। किसी को कुछ नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि ये सबसे बढ़िया केक है, जो भी इधर उधर का थोड़ा खराब वाला केक है वो मेरे घर पे आया हुआ है, उसका हम कल ला देंगे, तुम लोग को छोटा छोटा पीस काट के दे देंगे, तो तुम लोग क्या खाते रहना, ऐसा कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि ये खाओ। इट इज गुड, वेरी गुड केक। कहाँ से आया भाई केक? वेरी नाइस केक, टेस्ट बहुत अच्छा है, बता के नहीं खिलाएंगे तब ज्यादा मजा आएगा। ऐसे तुम लोग को बोलते बेकार केक है तो तुम लोग भी सोचता है यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, ऐसे तेरे को तड़प तो रहेगा, दुख तो रहेगा, इधर लग जाए उसके बाद खिलाया भी नहीं, तुम लोग भी एक एक्सपेक्टेशन से आता आज बर्थडे है, तुम खाने मिले जाने, अभी इसको देख इतना बांट भी नहीं पाएंगे पूरा करके, कोई श्याम बाबा का प्रसाद थोड़ी ऐसे दे देंगे। और तुम लोग भी छीटा आ गया तो चलो धन्य हो गए, ये थोड़ी होता है बता, दैट इज व्हाट। आइए आप बैठिए, तो तुम लोग मिल लिए, हम बता दिए तुम लोग यस्टरडे ओनली आई हैड अ टॉक अबाउट दिस थिंग, पर ये बंदा आ गया तो हमारा तुम लोग से बात हो गई, तो तुम लोग इससे सीख सकता है बहुत कुछ, इफ यू वांट यू कैन आस्क हिम, क्या चीज के बारे में पूछेगा वो एक पैसे का कोई जवाब नहीं देगा, हम जानते हैं उसको, पर ये सब चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है। रहा बात इस 2019, हम और बूढ़े हो चले, दुख का बात ये भी है, थोड़ा दिन बाद तुम लोग ये भी बोलने लगे अभी भी बना रहा बर्थडे, अभी तो यहाँ हो तब तो खुश हो रहे हो, जब बाहर निकल जाओगे थर्ड ईयर खत्म हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि एक और वीडियो आया यूट्यूब पे बर्थडे का, तो तुम लोग दोस्त बोलेगा यार अभी भी बना रहा है, पता एज हो रहा है इसका, तुम लोग आदत है ये बोलने का, बट एवर तो मनेगा भाई। अमिताभ बच्चन साहब भी तो अभी मनाते हैं, क्या हुआ कुछ बोलना है? अरे
आराम से बैठा छुट्टी होगा तब तक मतलब पीछे का सीट मिला है तो कुछ कर मूवी चल रहा है ये नहीं देख रहा सब जगह लाइट जल रही है जैसा भी है इट वॉज गुड कब तुम लोगों को सिखाना भी पड़ता है हमको नहीं की कर दरिया में डाल हाँ क्योंकि अब ये बात बोले तो इसी के ऊपर बात कर रहे हैं देखो नाउ प्लीज देर आर सम थिंग्स बहुत सारा प्रोवर्ब्स है और बहुत सारा प्रोवर्ब्स बहुत ज्यादा वैलिड है लाइफ हमको लगता है तुम लोग को ये सब चीज को समझना चाहिए हम लोग का पूर्वज बड़े लोग गलत कहावत नहीं बना के डिग्री ले लोगे सक्सेसफुल हो जाओगे पैसा कमाने लोगों के सब कुछ हो जाएगा एवरीथिंग विल बी डन एंड यू विल गेट एवरीथिंग नो इश्यू यू पीपल विल गेट बट अपने आप को एक ऐसा बनाओ जिसके चलते क्या है कभी तुम्हारे लिए भी कोई कुछ बोल पाए और उसके लिए पैसा नहीं नेचर और कैरेक्टर और कुछ नहीं चाहिए तुम किस अवस्था में बॉन्ड होते हो और क्या परवरिश होती है क्या होती है वो मैटर नहीं करता तुम अपने आप को क्या बनाते हो वो जरूर मैटर करता हर समय अपना परिस्थिति को दोष देना कि हम तो ये हैं हम वो हैं ये सही नहीं बोलते मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फॉर्च जिस बंदे से अभी तुम लोग को मिला है ना ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली वीक था ऐसा नहीं कि एमबीए किया तो फीस तो ये भी दी है किसके तकलीफ का बट इसने खुद अपने दम पे सब कुछ किया इसलिए आज ये तुम्हारे लिए इस लेवल पे खड़ा है और हम इसके बारे में तुमको बोल पाते हैं एंड आई फील प्राउड कि हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग इसलिए शायद हम भी इस तरीके से बना एंड इट्स अ फैक्ट कि तुम जिस कंपनी में रहोगे ना लास्ट में तुम्हारा नेचर और करेक्टर वैसा बनेगा फैक्ट तो क्या ना अच्छा बात करो अच्छा संगति में रहो एक दूसरे से पॉजिटिव बात करो रिप्लाई करो रेस्पेक्ट करना सीखो रिमेम्बर दिस थिंग हम हमेशा ये चीज सुने हैं कि कर भला तो हो भला और बुरा करोगे तो तुम्हारा बुरा पहले होगा ये सब हम सुने हैं और कभी ना कभी हमको पता है ये चीज बहुत फैक्ट नहीं लगता है कि इट इज द फैक्ट कोई अपने जीवन में हम लोग जब देखते हैं ना तो ये होता है हम लोग के साथ कि एक टाइम के बाद हम लोग के मन में आता है कि ये हमारे साथ गलत किया अब हम इसको बर्बाद करें हमको इसको अब दिखाना इसको अब काट किया हमको ये करना हमको वो करना दीज थिंग्स कम इन अवर माइंड ये फ्रीक्वेंटली ट्रिगर करता हम लोग क्योंकि हम लोग उस चीज से उठे ही नहीं ना अभी तक ये जो दिमाग में ये सब चीज आता है ना जिस बंदे का तुम बुरा करने जा रहे हो ना पहला चीज तो उसको पता भी नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो अपना लाइफ जी सेकंड उसका बुरा करने के लिए तुमको उसके लिए कुछ बुरा करना होगा तो तुमको उसके लिए बुरा सोचना होगा तो तेरा डाउनफॉल वहीं पे होगा बुरा सोचा करो तो गंदगी तो तुम्हारे ही अंदर में आएगा ना उसके अंदर में नहीं आएगा तो दूसरों के लिए बुरा मत करो कोई मतलब नहीं है कर्मा विल कम बैक दरकार नहीं है जो हो गया लाइफ में हो गया हर एक चीज से कुछ सीखने मिलता है बेटर लर्न एंड मूव अहेड नथिंग एल्स ऐसा नहीं है कि आज तुम फास्ट दौड़ रहे हो और तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ रहे तो तुम सुपीरियर हो हम लोग में मार्क्स में जब बात करते ना बीकॉम का बीकॉम के मार्क्स में इसका उतना नहीं था कितना है भाई तेरा बीकॉम ग्रेजुएशन 55% हम 75% 75.5 था क्या उखाड़ दी एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स नहीं डिसाइड करेगा कि तुम कितना तेज दौड़ेगा और तुम कहां पहुंचेगा कुछ नहीं कर पाएगा
काम रहो, जमीन को छू के रखो, जमीन पे रहो, शायद बहुत आगे बढ़ जाओ, बहुत आगे बढ़ जाओ। और ये याद रखना, जिस चीज में रहोगे, जिस कंपनी में रहोगे, उसी से तुम्हारा इज्जत बनेगा और उसी से तुम्हारा इज्जत गिरेगा। एक बेस्ट एग्जांपल है सुअर, स्वाइन बोलते हैं ना उसी को, तो कैपेबिलिटी बहुत आई है उसको, कुछ भी खाता है पचा लेता है, ये सुन लो सब कुछ ले लेता है, लेकिन रहता है किसमें, कीचड़ में। क्या इज्जत है तुम भी जानते हो। तो बात वही है, हर चीज ग्रहण कर लेते हो, सीख लेते हो, दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन सर्कल खराब है, गलत है। तो आने वाले टाइम में लोग तुमको उस सर्कल से जानेंगे और किसी चीज से नहीं जानेंगे। तो बेटर है अपना संगति थोड़ा अच्छा हो। आई विल बी हैप्पी टू सी यू पीपल आर हैविंग गुड फ्रेंड्स, शेयरिंग गुड नॉलेज, गुड थॉट्स, मस्ती, मजाक, खेलना कूदना, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये होना भी चाहिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये तुम लोग के बीच में हो, हम भी दुआ करेंगे, बट गलत चीजों में किसी का साथ मत दो, गलत करूंगा। और लाइफ में आगे जाके अभी जितना तुम लोग आया ना, ये दोस्ती वोस्ती ये हर चीज एक जगह जाके रुके। अगर तुम सक्सेसफुल हो तो सक्सेसफुल फ्रेंड्स के बीच में रिलेशन बह जाए, और अनसक्सेसफुल तो अनसक्सेसफुल के बीच में रिलेशन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाए। लास्ट में तुमको अपना सक्सेस के लिए ही वर्क करना, इफ यू कैन यू शुड। अच्छा लगेगा तुम लोग भी सक्सेसफुल हो, कभी हमारे सेंटर पे तुमको भी अगर आए कोई बैच बैठा हो तो हम डेफिनेटली तुमको भी इंट्रोड्यूस कर दें, तुमको बहुत प्राउड फील होगा कि ये बच्चे अपने यहाँ से निकले और वो लोग उस पोजीशन पे पहुंचे। ऐसे हैं बहुत, तुम लोग भी उसके अंदर में निकलो, आगे बढ़ो। फेलियर डिसाइड नहीं करता है कि तुम्हारा एंड क्या होगा, अनटिलनेस यू क्विट, लगे रहो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट एग्जांपल था आदित्य इस बार के लिए, दिमाग बहुत था बच्चे का, डेफिनेटली हैवी, सीए नहीं समझ में आया, आईपीसीसी नहीं हुआ था ना, इवेंट टू कैट, बंदे का क्रैक हो गया, अच्छा मार्क्स आया। अब आगे क्या होता नहीं होता डेट आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्कोर, तो बहुत अच्छा बात है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि हम लोग का कम्फर्ट जोन ही सब कुछ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलो, शायद दुनिया ज्यादा बेटर हो तुम्हारे लिए, और तुमको निकलना पड़ेगा डेफिनेटली। रहा बात तुम लोग की मोहब्बतें जो चल रही है, रिलेशनशिप, ये मूवी बनने के बाद पत्ता ज्यादा दिखने लगते हैं, सब चलाने का उम्र नहीं है, कुछ बन जाओ फिर लग जाओ, और ये सब जो लिखते हो करते हो पढ़ाई का काम करो ज्यादा अच्छा है, समझे, दरकार नहीं है कोई चीज, इतना सब कुछ है, यूट्यूब ये वो, अपना रिसर्च करो, सब कुछ करो, ग्रोथ करो, ज्यादा जरूरी है, ये सब घटिया काम में मत घुसो। आई लव यू, इतना भी टाइप का अच्छा अच्छा मैसेज है, और गे वे बनने का मत बोले जा रहे हैं ना, देखो तुम किस तरीके से दोनों के बीच में फंसा वो निकलना है क्या, संगति संगति तुमको भी लोग फिर क्या बोलेगा था? हम अभी यही चीज समझा रहे थे, चूज बेटर पीपल, अगर ऐसे हो जाएगा भाई आपको अदरवाइज गलत हो सकता फ्यूचर, समझे, अभी नहीं पता चलेगा, एक टाइम आएगा जब तुम आगे बढ़ जाओगे। देखो कैसे रोका है अपने रोका ही है, बैक करके आया है, इसको देखो ठोकर खा के ही संभला है ना, उस समय तो कोई बात हम लोग का समझ में नहीं आता था ना, सब सही लगता था, वही दुनिया है, वही सब कुछ है, यही सब कुछ है, नहीं बहुत प्यार किया बेटा, बहुत प्यार किया, अब सब खत्म, अब माँ बाप ज्यादा अच्छा लगता होगा, पहले दूसरे में रब दिखता था ना जैसा भी है,
अच्छा लगा आप लोग अच्छा लगा आप लोग सब आए, खुशी हुआ। अगला साल फिर बर्थडे मनेगा। हाँ ये मर जाएगा, बन रहा है बेटा, समझ चीज को, है ना। हर चीज में बीच में बोलने वाले को क्या बोलते हैं, बोले ये YouTube पे जाएगा, अच्छा लगेगा। बोल अगले साल फिर जब मने तो तुम लोग आ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि करंट स्टूडेंट ही है, कुछ भी है। क्योंकि देख मेरे यहाँ पे आने का कोई खर्चा नहीं लगता हमारा, तो देख हम कुछ खिलाएंगे भी नहीं एक पैसे का, क्योंकि जिस दिन पता चलेगा हम खिलाने लग गए उस दिन तो बाहर तक बैठ जाएंगे। और हमने यहाँ बच्चा लोग को शर्म भी नहीं है, नीचे ऊपर भी बैठ जाता नहीं भी, बोला ढोल पे ही रख के दे दीजिए चाउमीन, हम उस पर भी रख के खा लेंगे, हम जानते हैं बहुत अच्छा से। तो नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कोई बात नहीं, हम खिलाएगा नहीं कभी भी, कभी नहीं खिलाएगा तुम लोग किसी भी हालत में। तुम लोग कोई गरीब बच्चा नहीं, गरीब को खिलाने से धुआं मिलता, तुम लोग को खिला के कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोग पाते भी जाएगा। फिर वही बाहर जाके और बोलेगा आज अच्छा नहीं था, एसिडिटी हो गया भाई, तुम तो पिला देते, ये सब काम तुम ही लोग करेगा बाद में जाके, इसलिए हमको ये सब चीज़ का मेला ही नहीं चाहिए। बाद में कोई बीमार पड़ गया तो घर से फोन आ रहा है आप क्या खिलाए थे, हम कितना का खिलाए थे ये नहीं बोल पाएंगे ना, क्या खिलाए थे पूछेगा। वट एवर, जिंदगी में मत सोचना यहाँ आओगे हम खिलाएंगे, ज्ञान पिलाएंगे, वो भी इंटेंजिबल है, पी सकते हो पी लो, मिलता रहेगा वट एवर। बाकी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, अगला साल का बर्थडे तक के लिए थैंक यू।